सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम पहुंच चुके हैं कॉर्बेट के जंगल में और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, इधर घना जंगल है और बड़े बड़े पहाड़ हैं इधर। और आज मेरे साथ जा रहे हैं मेरे भाई लोग और मेरे गांव के यहाँ ये। और चलिए अभी आपको एक सुंदर एक वाटरफॉल में लेके चलते हैं। इतना खूबसूरत वाटरफॉल है कि आप भी बोलोगे कि हाँ भाई है, कुछ लोकेशन है बढ़िया। तो चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं उस वाटरफॉल पे। और नीचे ये आप सामने देखिए, वाटरफॉल से पूरा पानी आ रहा है प्रॉपर। और ये अंग्रेजों के ज़माने की ये नहर वगैरह बना रखी थी और ये किसानों के जो खेत वगैरह हैं उनमें पानी आने जाने के लिए, तो यहाँ पे ये नहर बना रखी थी। ये पूरा देखिए ये काट कूट के, तो अभी भी ये है। आप पत्थर वगैरह आप देख सकते हैं इधर लग रखे हैं प्रॉपर तरीके से इधर। और सोचिए ये कितना गहरा है और ये कितनी ऊंची है, किस तरीके से वो पानी आने चढ़ाते होंगे इसके ऊपर, पानी वगैरह कैसे चढ़ाते होंगे वो ऊपर। तो फिलहाल हम जा रहे हैं आगे की तरफ, भाई लोग आगे पहुंच गए हैं। और ये देखिए ये पूरा पूरा अंग्रेजों के ज़माने में ऐसे बन रखा है। ये देखिए पूरी दीवार इधर से बना रखी है, इधर से भी बना रखी है गूल वगैरह। ये देखिए नीचे से मिट्टी निकल गई है भाई साहब, लेकिन दीवार नहीं टूटी है। ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी मजबूत होगी। और ये फ्रेंड्स चूने की दीवार होती है, इसमें सीमेंट वगैरह नहीं होता है, तो ये चूने की दीवार है। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, चेकआउट करवा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये पूरा चूना है, इसमें कोई सीमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ऐसे ही है यहाँ का सीन। तो चलिए अभी हम आपको लेके चलते हैं आगे। और काफ़ी खूबसूरत ये नाला जैसा है, इधर रिवर है ये खूबसूरत। और इसमें हम जा रहे हैं, पत्थर बहुत मोटे मोटे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक सांप भी रहता है, मैं उसकी बिल भी दिखाऊंगा। और ये देखिए ये दीवार जो है अभी तक खड़ी है, इतने नाले आते हैं यहाँ पर, इतना पानी आता है बारिश के टाइम में, लेकिन ये दीवार नहीं गई। ये देखिए पहाड़ पूरा खिसक गया लेकिन ये दीवार नहीं टूटी। और ये जो पहाड़ है ये पूरा दीवार की वजह से रुक रखा है, अगर ये दीवार नहीं होती तो ये पहाड़ पूरा नीचे आ जाता। ये देखिए, तो चलिए अभी हम चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर एक सांप भी रहता है और वो है कोबरा सांप जिसको बोलते हैं हम, इसके अंदर रहता है। और भाई लोग सामने पहुंच गए हैं ऊपर, बुला रहे हैं जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है टाइगर वगैरह और हाथी वगैरह भी जो हैं वो पानी वानी पीने आते हैं। और दोपहर का टाइम है, इस समय ही वो आते हैं क्योंकि दोपहर के टाइम में ही जानवर को जो है वो प्यास वगैरह लगती है। और पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा फ्रेंड्स, ये देखिए, क्योंकि मैं पहले भी आया था तो पानी काफ़ी ठंडा। ओ बाबरे, पानी बहुत ठंडा फ्रेंड्स। और ये इतना साफ़ है कि नीचे तक के पूरे पत्थर दिखाई दे रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितना शुद्ध पानी होगा फ्रेंड्स। ये शुद्ध पानी होता है, ऐसे कई जड़ी बूटियां लगी होती हैं इसमें, एक तरह से आरओ को भी फेल करता है ये पानी, इतना बढ़िया पानी होता है, नेचुरल पानी। तो चलिए अभी हम चलते हैं फ्रेंड्स। ये जो है हाथी वगैरह ने इधर से पेड़ भी तोड़ रखा था ये। और ये हमारे गाँव के कुछ लोग हैं, मेरे दोस्त वगैरह या कोई भी कह लो जो नहाने वगैरह आता है, तो उन्होंने ये काट कूट के जो है साइड कर रहा है। बड़े बड़े पत्थर हैं ये काफ़ी ज़्यादा। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक नहाने के लिए स्विमिंग पूल जैसा बना रखा है गांव के लोगों ने, तो यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं सभी गांव के। तो गर्मियों में ऐसे ही होता है, घर में जो होता है पानी वो गर्म वगैरह हो जाता है, क्योंकि टंकियाँ जो होती हैं वो छत के ऊपर ही होती हैं, तो उस वजह से पानी गर्म हो जाता है फ्रेंड्स। ये देखिए ये इतना बड़ा पेड़ जो है इधर से गिर रखा है, ये हाथी ने तोड़ा। ये देखिए, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ पानी गर्म हो जाता है, तो ये पानी नेचुरल है, बिल्कुल ठंडा पानी होता है एकदम। और फ्रेंड्स ये देखिए इधर चेकआउट करिए, कितना शुद्ध पानी है, नीचे तक के पत्थर तक के दिखाई दे रहे हैं आप। ये देखिए, और ये फ्रेंड्स गहरा बहुत है, क्योंकि मैंने इसमें नहाया था कुछ टाइम पहले तो मेरे पाँव नहीं लगते, तकरीबन मैं छः साढ़े छः फुट का हूँ तो मेरे नीचे पाँव नहीं लगते हैं ये। और नीचे तक के अभी पत्थर दिखाई दे रहे हैं आप, देखिए चेकआउट करिए। फिलहाल ये चढ़ाई वगैरह आ गई है काफ़ी ज़्यादा और हम जा रहे हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स बड़े ध्यान से जाना पड़ता है ऐसी लोकेशनों पे, तो इसलिए चारों तरफ नज़र है कहीं से कोई जानवर ना दिख जाए। तो चलते हैं फिलहाल हम ऊपर, चढ़ाई बहुत है फ्रेंड्स, बड़े ध्यान से जाना पड़ता है। और एक भाई यहाँ पे कि फ़ोन आ गया उसका भाई का, हम चलते हैं उधर। और ये देखिए पानी जो आता होगा इधर, नाला जैसा बन रखा है, ये पूरा पानी इधर रिवर में ही जाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अभी ऊपर। और ये देखिए फ्रेंड्स ये आग वगैरह भी लग रखी है इधर, आ जाओ भाई आ जाओ। और ये फ्रेंड्स ये देखिए ये आग वगैरह लग रखी है, पेड़ जल के जो है गिर रखे हैं। और वो देखिए फ्रेंड्स ये पूरा ये बाढ़ से जो है जब पानी आता है, बारिश ज़्यादा पड़ जाती है ऊपर पहाड़ में, तो वहाँ से पेड़ ये टूट के आ रखा है सामने। देखिए कितना बड़ा पेड़ है ये और टूट के आ रखा है ऐसे, ये ऐसे लग गया ये, वो पत्थर काफ़ी बड़े बड़े हैं। चले विपिन भाई,
तो चलिए अभी हम चलते हैं आगे, विपिन भाई भी आ जाएंगे पीछे पीछे। फ्रेंड्स हम ना इस जंगल में आते जाते रहते हैं, इसलिए हमको उतना खतरा नहीं लगता है, और हमको पता भी है इस समय जानवर कहाँ पर होगा और कहाँ पर नहीं होगा। तो इस वजह से जो है हम आ जाते हैं जंगलों में, और हम शुरू से ही बचपन से यहाँ पे पले बड़े हैं, तो थोड़ा पता लग ही जाता है जंगल के बारे में भी, आते जाते रहते हैं जंगलों में, तो इस वजह से हमको पता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है नीचे कैसे एकदम जाना पड़ रहा। फ्रेंड्स पत्थर चेक करिए कितना मोटा है, 3-4 ट्रॉली बड़ा पत्थर है। फ्रेंड्स चढ़ाई बहुत है, और ये पेड़ वगैरह जो है बहुत बड़े बड़े हैं इधर जंगल में। भाई लोग सारे आगे निकल गए, विपिन एक भाई पीछे रह गया, एक मैं रह गया हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स पहुँच गए हैं लोकेशन पे, और लोकेशन चेक करिए एक बार, कितनी मस्त लोकेशन है बीच पहाड़ों के। अभी हम यहाँ पे नहाएंगे, और भाई लोगों ने कपड़े तो उतार दिए, लेकिन